ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, 261 मौतें, 900 घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी होकर मालगाड़ी से भिड़ी, दूसरी तरफ से आ रही दुरंतो बोगियों से टकराई। 17 डिब्बे पटरी से उतरे, टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहंगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहंगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर को घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वे अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। इससे पहले पीएम ने रेल हादसे की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। इधर हादसे के बाद रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हादसे के एक घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। इसके बाद दूसरी ट्रेन की डिरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। हादसे के 20 घंटे बाद यानी शनिवार दोपहर 2 बजे तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से हादसे की वजहों पर कुछ नहीं कहा गया। मंत्री से लेकर अफसर तक ने केवल जांच कराने का बयान दिया। इधर ट्रैक बंद हो जाने की वजह से इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई, 39 को डायवर्ट और 10 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।